देख रहे हैं यहाँ पे जो सामान है ये पिछले दिनों जो आप सबको पता है कि अभी हम जो COVID-19 से लड़ रहे हैं सब मिलके, तो इन हालात के मद्देनज़र लॉकडाउन जो पूरे कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में इस वक्त लगा हुआ है, इन्हीं हालात का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए कुछ बेजमीर लोग जिन्होंने यहाँ पटन के इस इलाके में काफ़ी चोरियाँ की थी और हमें रिपोर्ट्स भी आ गई थी, कुछ घरों में भी चोरियाँ की थी, उनने दुकानों में भी चोरियाँ की थी। तो बहरहाल जो हमारी पटन पुलिस की टीम है इनको एक ज़बरदस्त हिदायत मिली कि आप अपनी नॉर्मल ड्यूटी के साथ साथ इस पे भी फोकस करें, कहीं ऐसा ना हो कि इन हालात के चलते यहाँ सिर्फ चोरियाँ ही चोरियाँ होती जाए और पुलिस इस वक्त लॉकडाउन में ज़्यादा लगी है, बाकी काम भी कर रहे हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो कम ना हो जाए। तो उसी सिलसिले में हमने एक जो टीम बनाई यहाँ पर जिसमें SDPO साहब जफर साहब ने क़यादत की, इसमें SHO साहब और चौकी अफसर अशरफ साहब भी सभी इकट्ठे थे, तो दिन रात मेहनत करके इन्होंने 15 तारीख के जो एक यहाँ पे गाड़ी चोरी हुई थी 14 तारीख को हुई थी उसके थोड़ा इसमें और सूरत आ गई, क्योंकि जब गाड़ी चोरी हो गई तो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो गए कि कहीं ये गाड़ी किसी दूसरे गलत हाथों में ना पड़ जाए जिससे कोई दूसरी किस्म की कार्रवाई ना हो जाए। तो उसी के चलते जब हमने अपने एफर्ट्स थोड़ा तेज़ किए और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पर भी हमने ध्यान दिया तो एक सस्पेक्ट आदमी जिस पर हमें फोकस हुआ तो उसको हमने पकड़ लिया। उसकी इंटरोगेशन के बाद जब उसको सस्टेनड क्वेश्चनिंग हुई उसने हमें 3 और अपने साथियों के नाम बता दिए जिनसे ये सारा सामान रिकवर हुआ। इस रिकवरी में जैसे आप देख रहे हैं एक इको गाड़ी है, उसके बाद एक जो ये 207 जो लोड कैरियर है, इसके अलावा फ्रिज है, लैपटॉप है, इसमें DSLR कैमरे जो प्रोफेशनल कैमराज है वो हैं, या किराने के सामान हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं और कुछ यूनिफॉर्म आइटम्स भी हैं जो उसने शॉपकीपर से चुराए। कुल मिला के ये जो एक सरसरी तौर पर इस जो सामान की मालियत है कोई 50-60 लाख के करीब बनती है। ये इस रिकवरी के साथ साथ हमारे जो इस एरिया में जो FIR लगे थे चोरी के रिकॉर्ड पे जिन जहाँ पे चोरी हुई है, उसके अलावा ये कुछ और सामान भी जो पाकी पुलिस स्टेशनों में भी चोरी हुआ है, तो वक्त पर हम उनको जो हमारे पुलिस स्टेशन जहाँ जैसे चोरी को उनको इन्फॉर्म करेंगे सो डैट कि वो उस सामान को अपनी तहवील में लेकर वहाँ पर जो वाकई उसके मालिक हैं उनके हवाले वो कर देंगे। तो यहाँ मैं एक बात ये आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त सारी कौम की तवज्जो एक ही चीज़ पे है कि लॉकडाउन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग रहे, लेकिन ऐसे लोग इनको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं। अल्लाह ना करे अगर इनमें से कोई पॉजिटिव बंदा होगा जो ये चोर है तो जिन घरों में गए हैं जहाँ चोरी किए वहाँ इन्हें अपने असरा डाले होंगे, या अगर जिन घरों में इन्हें चोरी किया अगर कल कोई उनमें से कोई पॉजिटिव निकला तो ये सब इन्फेक्शन वाले हो गए। तो ये बहुत इस वक्त घिनावनाक फेल है इन लोगों का करना कि इस वक्त जब सारे इस वक्त अलनफसी के आलम में इस वक्त लोग लगे हैं अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका गलत फ़ायदा उठाकर लोगों की बेबसी का फ़ायदा उठाकर चोरियां करने लगे हैं। ये बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही घिनावनी हरकत इन लोगों की है जिसके लिए इनको कानून के मुताबिक सज़ा जो हमारे जो सिस्टम है जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर मिलेगी। बाकी आप सब जो इस जो सामान देख रहे हैं आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो चोरी के लायक न हो। जैसे कि एक चोरी ने किया मोटर पानी का मोटर पंप गीजर, मतलब इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा चोरी का हम क्या चुराए क्या ना चुराए। हर एक चीज़ यहाँ आपको मिलेगी, हल्दी मिलेगी, मिर्ची मिलेगी, चाय भी मिलेगी, आपको गीजर भी मिलेगा, आपको लैपटॉप भी मिलेगा, आपको कैमरा भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, हर एक चीज़ की चोरी इन्होंने की है। शुक्रिया।